नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर पर ही स्ट्रॉबेरी जैम। स्ट्रॉबेरीज जो है अभी सीज़न में है, तो आप जैम बना करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को टिफ़िन में या ऑफिस में कभी भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने 1/2 किलो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ली है, उन्हें छोटा छोटा कट कर लेना है। अब एक नॉनस्टिक पैन में हम इन स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड कर लेंगे। ये लगभग 1 कप के आसपास है। इन्हें अच्छे से फैला लेंगे। आँच जो है वो मीडियम से हाई के बीच में होनी चाहिए, लो पे ना रखें। अब हम इसमें 1/2 कप पिसा हुआ चीनी डालेंगे। आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। इसे चलाते रहें। चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है, तो इसे चलाते रहें। लगभग 5 मिनट तक इसे हाई पे रख के हम चला लेंगे। देखिए चीनी जो है एकदम सिरप के कंसिस्टेंसी में आ गई है। अच्छे से इन्हें मिलाते रहें और 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। 5 मिनटों में ये एकदम गाढ़ी हो चुकी है। अभी हम आँच जो है वो धीमी कर देंगे। अच्छे से चलाते रहें दोस्तों। अब हमारी जैम जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम चेक कर लेंगे। एक पतीले में जैम को डालें और उसे यूं कर दें, तो हमारी जैम जो है वो एकदम सेट होके नीचे आ रही है, यानी कि ये रेडी है। आँच को जो है वो बंद कर दीजिएगा, और अगर इसे पकाया तो ये चिक्की जैसा होने लगेगा, तो आप आँच को जो है बंद कर दीजिएगा। और अब हम इसमें 1/2 लेमन का जूस डाल के अच्छे से मिला लेंगे। लेमन जूस डालने से जो है नींबू का रस, इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस जैम को आप एक कांच के कंटेनर में ही स्टोर करें ताकि ये फ्रेश रहे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।